अभी तो लेटेस्ट अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे फिल्म में छोटा भीम में। ठीक है, दूरी हम तय करते थे अपने घर से जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं वहाँ तक। वो ट्रेन में ही बैठ के सारा लंच, सारे कपड़े चेंज हो जाते थे यूनिफॉर्म से अच्छे कपड़ों में। मैं उसमें कंगना रनौत मैम और जस्सी गिल सर के बेटे का रोल कर रहा था। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ दिल्ली के पहाड़गंज के यस कॉटेज यस प्लीज होटल में, और हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार, कई फिल्मों में काम कर चुके, कंगना के साथ हो या अनुपम खेर के साथ हो, कई फिल्मों में। काम कर चुके। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, पूरा नाम क्या है? यज्ञ भसीन। यज्ञ भसीन जी। कौन कौन से फिल्में आई है अभी तक आपकी? अभी मेरी 2020 में आई थी पंगा फिल्म, जिसमें मैंने कंगना रनौत मैम और जस्सी गिल सर के बेटे का रोल किया था। और फिर मेरी अभी इसी साल फिल्म आई है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान, जिसमें मैंने छोटा भीम का रोल किया है। और मेरी दो और फिल्म है बाल नरेन और बिश्वा, जो अभी रिलीज़ होने वाली है। इतना छोटा उम्र कई फिल्में कर लिया जी, कैसे संभव हो पाया? संभव तो हार्डवर्क से हो पाया है, मैं यही कहूँगा, और उससे भी बड़ा मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से हो पाया है। हम नैनीताल में रहते थे, मेरे पापा एक हाई कोर्ट में ऑफिसर थे और मेरी मम्मी का सैलून था। और जब मैं अभी से भी बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैं फिल्म्स बहुत ज़्यादा देखता था, तो मुझे भी ऐसे अंदर से फील होने लगा कि मुझे भी और एक्टर्स की तरह ऐसे टीवी पर आना है, मुझे भी एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। तो मैंने पापा को बोला, तो पहले तो पापा को ऐसे ही लगा बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है, बट जब मैंने बार बार बोला तो इन्होंने फाइनली मुझे सीरियसली लिया और मम्मी से बात करके हम मुंबई शिफ्ट हो गए। सो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया, मुंबई में भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए, 50+ ऑडिशंस, बहुत एक दो महीने तक हम देते रहे। स्कूल से मैं शाम को निकलता था 1 घंटे का सफ़र करके और फिर 12 बजे घर लौटता था, सेम शेड्यूल बार बार। और तो फाइनली मुझे फिर अपना पहला रोल मिला मेरे साईं सीरियल में। अच्छा, उसमें क्या किरदार किया था? उसमें मैंने एक छोटा से गांव का लड़के का रोल किया था और मैं वो दिवाली के पूरे सीक्वेंस में था फिर उसमें। कंगना रनौत के साथ भी काम किया है आपने, तो कैसा किरदार था आपका? मैं उसमें कंगना रनौत मैम और जस्सी गिल सर के बेटे का रोल कर रहा था, आदित्य सचदेवा या फिर आदि सचदेवा। और उसमें मेरा रोल यही था कि मुझे अपनी मम्मी को कमबैक दिलवाना होता है उनके स्पोर्ट्स करियर में, जो जब मैं मेरे पैदा होने से पहले जो थी वो। और मेरा यही काम होता है कि मैं अपनी मम्मी को मोटिवेट करता हूँ और उनको पुश करता हूँ कि मम्मी आप फिर से अपना स्पोर्ट्स करियर वापस लाओ, फिर से आप कबड्डी प्लेयर बनो। तो अभी आपकी कौन कौन सी मूवी आने वाली? अभी तो पढ़ाई पे ही फोकस चल रहा है, 10th स्टार्ट हो गई है क्योंकि ऑफर्स आ रहे हैं, बट लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर मिलेगा फिर कंसिडर करेंगे। तो ये फिल्में और पढ़ाई लिखाई कैसे संभव हो पाता है? उसके लिए मैं अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरा स्कूल बहुत सपोर्टिव है और वो मुझे ऑनलाइन ही सारा स्टडी मटीरियल सेंड करते रहते हैं, तो जब भी मुझे शूट के बीच में से ब्रेक्स मिलते हैं तो मैं कवर कर लेता हूँ सारा। दिल्ली में आए, कहाँ कहाँ घूमे अभी दिल्ली में? दिल्ली में अभी तो काम ही चल रहा है, तो घूमने का टाइम ही नहीं मिला था, बट फिर भी जितना भी अब तक घूम लिया हूँ बहुत अच्छा लगा। कैसे कर पाए मुंबई तक आपने सफर किया बच्चे को लेकर? जी, हम लोग रहते थे नैनीताल में और मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में जॉब करता था, मैं वहाँ 14 साल सेक्शन ऑफिसर रहा हूँ। तो ये बच्चा, जैसे कि इसने बताया, ये बहुत फिल्में देखता था, छोटा भीम भी देखता था, इनफैक्ट हॉलीवुड फिल्में देखता था। तो रोज़ जब मैं सुबह ऑफिस जाता था तो ये रोज़ मुझे बोलता था, पापा आई वांट टू बी एन एक्टर, मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी टीवी में और एक्टरों की तरह आना है। तो मैंने थोड़े दिन तो ऐसे ही लाइटली लिया, लेकिन जब ये रोज़ ऐसा बोलने लगा तो फिर थोड़े दिन बाद फिर मैंने इसकी मम्मी से ये बात शेयर की कि भाई बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है तो हमें क्या करना है। तो इसकी मम्मी ने मुझसे बोला कि जो आपको डिसीजन लेना हो आप लीजिए, हम आपके डिसीजन के साथ हैं। फिर बस ऊपर से ईश्वर से प्रेरणा मिली, और ऐसी प्रेरणा मिली कि इस बच्चे ने हमारी जॉब छुड़वा दी, हमारे दोनों के काम धंधे छुड़वा दिए और हम सीधा एक बैग में कपड़े बर्तन भर के सीधा पहुंच गए रातों रात मुंबई। फिर वहां हमारा असली स्ट्रगल शुरू हुआ जो लगभग 1 साल चला, और वो चलना बहुत स्वाभाविक भी था क्योंकि हम अपने पीछे सब कुछ छोड़ आए थे, रिश्ते नाते, जन्मभूमि, कर्मभूमि,
अपनी नौकरी, रोजी रोटी, सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव लेफ्ट बिहाइंड। तो फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ रही, स्ट्रगल हुआ। एक जी ये बताइए, ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक जैसे मैंने बताया था पहले, मुझे बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़े थे। मैं रोज़ स्कूल जाता था और स्कूल की जब छुट्टी होती थी 6 बजे तो मैं फटाफट से खाना पैक करवाते थे, मम्मी मेरा बैग रेडी रखती थी जहाँ पे मेरे कपड़े होते थे और मेरा लंच बॉक्स होता था। और हम रोज़ 1 से 2 घंटे की दूरी हम तय करते थे अपने घर से जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं वहाँ तक। ट्रेन में बैठ के सारा लंच, सारे कपड़े चेंज हो जाते थे यूनिफॉर्म से अच्छे कपड़ों में। और वहाँ से फिर हम पूरे शाम ऑडिशंस देते थे जब हम 7-8 बजे तक पहुँचते थे। और फिर वापस हमारी घर की एंट्री होती थी सीधा 12-1 बजे तक, क्योंकि मुंबई की ट्रेन्स की तो हालत जानते ही हैं, भीड़ ऐसी होती है। तो हम 12-1 बजे तक हम वापस घर पहुंचते थे और फिर से यही रिपीट होता था रोज़। और फिर ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 90 डेज तक हम ऑडिशंस दिए, मोर देन 50 ऑडिशंस, और फिर फाइनली मेरे साई सीरियल में मुझे रोल मिला था। अच्छा, बाल नरेंद्र की बात हो रही है तो उसमें कैसा किरदार है आपका? बाल नरेंद्र में वो एक लड़का है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, उनके स्वच्छता अभियान से स्पेशली। और वो ऑब्सेस्ड है क्लीनलीनेस से और वो चाहता है कि अब वो अपने पूरे विलेज को क्लीन रखे। और जब COVID-19 आया, लॉकडाउन हुआ, तो उसका मेन गोल यही था कि वो अपने पूरे गांव को कोविड फ्री रखे। नरेंद्र मोदी से कभी मुलाकात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहेंगे। क्योंकि आप उनका बचपन का किरदार कर रहे हैं। जी ऐसा सौभाग्य मिलेगा तो ज़रूर करना चाहेंगे। दिल्ली में कहाँ रुके हैं आप? अभी हम यहाँ पहाड़गंज में होटल कॉटेज यस प्लीज में रुके हैं। कैसा होटल लगा आपको यहाँ का? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स है यहाँ और रूम्स बहुत ज़्यादा क्लीन है और एकदम फर्स्ट क्लास सर्विसेज है। और ये तो मैंने पहली बार देखा है कि किसी होटल में ऐसे दिया लगा के रखा हुआ है हमारी इस रिसेप्शन में, वो भी 24/7। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारे रूम में तो एक कृष्ण जी की एक पेंटिंग भी बना रखी है। सो वो तो रूम की फ़ोटो देखते ही दिल जीत लिया था, वो तो हमने लॉक कर लिया था अपना फोकस कि अच्छा यहीं पर रुकना है अब तो। आप अभी आपकी 1-2 फिल्में अभी और आने वाली हैं? जी वही बाल नरेंद्र और बिश्वा भी रिलीज होंगी। बिश्वा के बारे में कुछ बताएं। बिश्वा एक हैंडीकैप बच्चा है जो ब्लाइंड है और उसको रनिंग बहुत पसंद है, ही लव्स टू रन। तो उस फिल्म की पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है कि अगर आप डिसेबल हो, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपके पोटेंशियल को लिमिट नहीं करती है। आप हार्डवर्क से आप अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकते हो, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो चाहे आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी हो। और बिश्वा जो फिल्म के अंदर जो मेरा कैरेक्टर है बिश्वा, उसका भी यही है, वो उसे रनिंग करना पसंद है और उस पूरी फिल्म में उसी का स्ट्रगल दिखाते हैं कि वो ब्लाइंड होने के बावजूद वो कैसे अपने सपने को पूरा करता है। अच्छा, किन किन सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका मिला अभी तक? अभी तो लेटेस्ट अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे फिल्म में छोटा भीम में, और फिर पंगा में कंगना मैम के साथ काम करने का मौका मिला था, और फिर उससे पहले भी कुछ एड शूट्स में मैंने शाहरुख खान सर और अमिताभ सर के साथ काम किया था। जी जी फिल्म में तो उनकी एक्टिंग है ही बिल्कुल लेजेंडरी, लेकिन ऑफ स्क्रीन में वो हम सबके साथ ऐसे बच्चे ही बन जाते थे। वो हमारे साथ गेम्स खेलते थे हम सबके साथ और हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे शूट में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।